राजयोग शिविर के आज के इस तीसरे सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट टू डेज से हम विशेष करके आत्मा और उसके सहित आत्मा के संस्कार क्या है, कितनी वैरायटी के संस्कार हैं, इन दो बातों के ऊपर बहुत डेप्थली हम डिस्कशंस करते हुए आए हैं। एक है आत्मा और उसके सहित आत्मा कहाँ से आती है, अर्थात आत्मा का निवास स्थान क्या है, और दूसरा आत्मा के अंदर कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, वह भी हम दो दिन से बहुत डेप्थली उसके ऊपर हम चिटचैट भी करते आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप जो भी भाई बहने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको ये क्लियर रीति से पता हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। अभी कहेंगे तो मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और यही मेरी वास्तविकता है, जो कि दुनिया वालों को नहीं पता, ठीक है ना। ये परिचय जो है, ये खुद की जो परिचय है, आज दुनिया वालों को अपना परिचय खुद के बारे में ही नहीं पता। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा आकर के हमें बहुत सुंदर रीति से ये समझानी हमें देते हुए कहते हैं कि सारे विश्व भर के अंदर जितने भी पॉपुलेशन है, शरीर को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये शरीरधारी है, लेकिन इस पूरे शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जो एनर्जी है, जो कि सभी मानते हैं, और परमात्मा ने हमें कहा कि वो है सोल, आत्मा है। एक तरफ से देखो, शुरुआत के दिन पहले दिन हमने ये कहा था कि राजयोग मेडिटेशन का अगर मुझे अभ्यास करना है या राजयोग मेडिटेशन को मुझे अच्छी तरह से अगर जानना है तो मुझे आत्मा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके सहित हमने ये भी कहा था कि परमपिता, पिता परमात्मा को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर आत्मा को जान लिया लेकिन पिता परमात्मा को नहीं जाना, तब भी हम राजयोगा मेडिटेशन हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परमात्मा की बात जब आती है, आज आप सबकी जो सेशन है सुप्रीम सोल के ऊपर, परमात्मा की बात जब आती है, आप देखिएगा, जैसे आत्मा की बात आई तो आत्मा के लिए कोई कहते हैं कि कोई धर्म में कहते हैं कि हाँ ये आत्मा है, कई इसको कहते हैं कि ये स्पिरिट है, कई इसको कहते होंगे कि ये एक नूर है। तो वैसे ही परमात्मा के लिए भी है ना, अलग अलग धर्म वालों ने भी इसकी परिभाषा अलग अलग रीति से बताया है। कोई इसको ईश्वर कहते होंगे, कोई गॉड फादर कहते होंगे, कोई परमात्मा कहते होंगे, कोई परमेश्वर कहते होंगे, कोई ईश्वर कहते होंगे, कोई भगवान कहते होंगे, कोई खुदा भी कहते होंगे। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यता है। जैसे कहीं पर एक न्यूज़ हमने पढ़ा था, बीच में आया था, जिसमें परमात्मा के बारे में अलग अलग कॉलम में अलग अलग उसकी परिभाषाओं के ऊपर समझाने दी गई थी। कई जगह पर लिखा गया था कि गॉड इज नेचर, ठीक है ना, तो कई जगह पर लिखा गया था कि शिवो अहम, ओके, तो कई जगह पर लिखा गया था कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, इस रीति से लिखा गया था। तो ऐसे अलग अलग मान्यताओं को लेकर के उसमें वर्णन किया गया था। अब उसमें लिखा गया था लास्ट में कि सवाल जैसे मनुष्य को ही दिया गया था, व्यक्ति को दिया गया था, तो आप बोलो कि परमात्मा कौन है, आप क्या डिसीज़न ले सकते हो कि परमात्मा क्या है बोल करके। तो उसमें उस व्यक्ति ने भी अपने रिप्लाई में ये कहा था कि मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि भगवान कौन है, तो मैं कैसे बताऊँ, है ना। ये तो जैसे उन सुरदासों की कहानी जो हम सुनते आए हैं, सुरदासों की क्या कहानी है कि पांच सुरदास थे। सुरदास किसको कहते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है उनको सुरदास कहा गया है। अब सुरदास की कहानी क्या है कि पांच सुरदासों को कोई पंडित ने हाथी घर में भेजे,
हाथी घर में भेजा गया 5 सुरदासों को। अब 5 सुरदासों को जब हाथी के घर में भेजा गया और उनको कहा कि हाथी को देख करके आओ और हाथी कैसा है ये हमारे सामने डिस्क्राइब करना, ओके तो अभी वो 5 सुरदास चल पड़े, वो हाथी घर में गए हाथी को देखने के लिए। तो एक सुरदास हाथी के जो पांव थे, हाथी के पांव को पकड़ करके उन्होंने कहा कि हाथी खंभे जैसा है। हाथी कैसा है? हाथी खंभे जैसा है। तो दूसरे सुरदास ने क्या किया, दूसरे सुरदास ने हाथी के पीठ के ऊपर हाथ लगाया और उन्होंने कहा कि हाथी एक दीवार के जैसा है। हाथी कैसा है? एक दीवार के जैसा है। तो फिर किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, राइट हाथी के पूंछ को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि फिर पूछा कि हाथी कैसा दिख रहा था, तो उसने कहा कि हाथी एक रस्सी के जैसा है। तो फिर और एक सुरदास जो थे वो हाथी के सुंड को पकड़े और वो आकर के फिर रिप्लाई दिए, उनको पूछा गया कि हाथी कैसे दिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाथी सांप के जैसे दिख रहा था। अब बताओ ये जो 4-5 बातें वो जो सुरदास जिनके आँखें नहीं थी वो आकर के हाथी का जिस रीति से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, क्या ये सही था हाथी ऐसे दिखता है? क्या ये सही था हाथी ऐसे दिखता होगा? नहीं, नहीं है, ठीक है ना। हाथी जो है वो एक ही है, लेकिन जब उसको वो सुरदासों ने छू करके जिस जिस जहाँ जहाँ भी उन्होंने छुआ वो अपने हिसाब से बताना शुरू किए, किसी ने कहा कि हाथी ऐसा दिखता है, किसी ने कहा कि हाथी वैसा दिखता है। तो इस पूरे विश्व भर के अंदर हम मनुष्य आत्माओं के साथ भी परमात्मा को लेकर के अनेक प्रकार के द्वंद्व फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जैसे एक मानसिक कन्फ्लिक्ट्स में हम जैसे कि परमात्मा को लेकर के हम सभी चल रहे हैं, हम सभी चल रहे हैं। तो आज इसलिए विशेष करके जैसे हमने आत्मा को जाना, हमने आत्मा को समझा, तो वैसे आज हम परमात्मा की ओर भी जाएंगे, परमात्मा की ओर। इसलिए सबसे एक मुख्य सवाल, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि हु इज़ गॉड, हु इज़ गॉड, अर्थात मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉड। क्या हम डेफिनेशन दे सकते, क्या हम कह सकते कि हु इज़ गॉड, परमात्मा कौन है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि हम तो जैसे बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए, लिखते आए, है ना, उस हिसाब से अनेक सारी मान्यताएं हमारे अंदर बैठा हुआ है और उन सारी मान्यताओं को लेकर के हम चलते चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन सत्य तो कोई एक ही चीज़ होगा ना, सत्य तो अभी अनेक चीज़ें तो नहीं हो सकती, सत्य तो कोई एक ही चीज़ हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को कोई पिता भी कह रहा है, कोई भाई भी कह रहा है, कोई भतीजा भी कह रहा है, कोई चाचा भी कह रहा होगा, कोई मामा भी कह रहा होगा, लेकिन व्यक्ति वो स्वरूप तो एक ही है। अब अनेक व्यक्ति तो नहीं है ना, चाचा अलग, मामा अलग, भतीजा अलग, पिताजी अलग, बेटा अलग, जवाई अलग, अलग अलग तो नहीं है ना। अब व्यक्ति तो कोई एक है, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई 10 चीज़ को ले आए और उसने कहा, कोई व्यक्ति ने कहा कि इसमें से तय करो कि क्या सही है, तो उसमें भी हम बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, आप देखना कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इसको भी डिसीज़न लेना मुश्किल है। इवन 10 चीज़ों की बातों को छोड़ दो, कोई अगर 2 चीज़ भी हमारे सामने रख दिया जाए और उसमें फिर बोला जाए कि कौन सा सही है देखो बोल करके, तो क्या हम उस 2 चीज़ों को देख करके भी क्या हम सोच नहीं चलाते हैं? उसमें भी हमें सोचना पड़ता है कि क्या सही है। और ये तो परमात्मा की बात है, जहाँ पर अलग अलग धर्म वालों ने अलग अलग रीति से भगवान को बिठा दिया है, अपनी मान्यताओं को बना दिया है, जहाँ पर जिस प्रकार की भावना देखा वहीं पर उनको भगवान का रूप मान करके मानना शुरू कर दिए, पूजा पाठ आदि आदि करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वास्तविकता तो कोई एक ही हो सकता है, सत्यता तो कोई एक ही हो सकता है,
इसलिए परमात्मा की डेफिनेशन को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डेफिनेशन को जानना नहीं है, लेकिन जानने के साथ साथ उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। और उस परमात्मा के साथ हम सबका क्या रिलेशन है, हम सबका क्या कनेक्शन है, उसको भी जानना, उसको भी समझना या उसको भी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुनी सुनाई बातें, हम सभी बचपन से बहुत सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर एक द्वंद्व है। कई बार तो इंसान इतनी मात्रा में अपने द्वंद्व में रहता है, लास्ट में वो कह देता है कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं है, है ना। तो इसलिए कहा कि डेफिनेशन क्या है परमात्मा का, किसे हम ये परमात्मा है बोल करके हम कैसे कह सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली डेफिनेशन में समझने की कोशिश करना, है ना। ऐसे भी नहीं कि जैसे किसी ने कह दिया कि ये भगवान है, किसी ने कह दिया कि ये भगवान है, किसी ने कह दिया कि ये भगवान है और हम मानना शुरू कर दें। ऐसे भी नहीं कि हम जो भी कह रहे हैं आप मानना शुरू कर दो, लेकिन बस हम इतना कह सकते हैं कि आप एकांत में बैठ कर के इस बात को थोड़ा सा सोचना, क्या हम सही कह रहे हैं या हमारे कहने में भी कहीं ना कहीं मिथ्या बैठा हुआ है, समझने की कोशिश करना। पहला डेफिनेशन क्या है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वशक्तिवान है, ठीक है। मनुष्य को शक्तिशाली कहा गया है, मनुष्य को शक्तिशाली कहा गया है, लेकिन कभी भी मनुष्य को, ह्यूमन बींग को कभी भी सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं दिया गया है। और ये टाइटल सिर्फ उस ऊपर वाले के ऊपर दिया गया है कि वो सर्वशक्तिवान है, उसके ऊपर और कोई शक्तिशाली कोई भी नहीं है। दूसरा है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वधर्म जो मान्य होगा, सर्वधर्म मान्य होगा अर्थात जिसको सारा धर्म जिसको मानता होगा वही ईश्वर है। क्योंकि हम सभी धर्म वाले हम ये कहते आए कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, या हमने कभी भी कहा कि भगवान अलग अलग है, कभी भी कहा? हमने हमेशा कहा कि मालिक एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है, और एक अर्थात जिसको सभी धर्म जिसको मानता होगा वो है एक, वो है एक। अगर सपोज मान लीजिए मैं श्री कृष्ण को मान रही हूं, लेकिन आप श्री कृष्ण को नहीं मान रहे हो, आप जीसस क्राइस्ट को मान रहे हो, तो क्या श्री कृष्ण भी भगवान है और जीसस क्राइस्ट भी क्या भगवान है? आज मनुष्य आत्माओं की बुद्धि जैसे एक ही समय पर अनेक दिशाओं में भटक रहा है, एक ही समय पर अनेक दिशाओं में उसकी बुद्धि भटक रहा है, बुद्धि भटक रहा है अर्थात एक पल में वो एक बात को कह रहा होगा तो दूसरे पल में फिर तुरंत उसी बात को पलटा के और एक बात। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं श्री कृष्ण को मान रहे हूँ लेकिन आप जीसस क्राइस्ट को मान रहे हो, तो क्या श्री कृष्ण भी भगवान है और जीसस क्राइस्ट भी भगवान है? जबकि हम एक तरफ से कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, अब दो तो हो नहीं सकेगा, हो सकेगा? हो सकेगा कि कोई भी हो सकेगा भगवान? कोई भी हो सकेगा? नहीं, परमात्मा एक है। अब सपोज मान लीजिए मैं जीसस क्राइस्ट को मान रही हूँ लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद जी को मान रहे हैं, क्या परमात्मा है? नहीं, क्योंकि सभी धर्म जिसको मानता होगा उसको हम कहेंगे कि ये ईश्वर है, ये खुदा, ये परमात्मा है। ये है दूसरी डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन क्या है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे से ऊंचा वो है, उसके ऊपर और कोई नहीं है, जो सर्व का मात पिता है लेकिन उसका कोई मात पिता नहीं, जो सर्व का बंधु सखा है लेकिन उसका कोई बंधु सखा नहीं है, वो है परमात्मा। ये है तीसरा डेफिनेशन।
देन कम्स टू द फोर्थ डेफिनेशन, परमात्मा का डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? जो परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात ये जो सृष्टि है, इतने बड़े रूप से जो छाया हुआ है, बेहद का ये जो सृष्टि है, इस पूरे सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान जिनके पास होगा वो है परमात्मा, ईश्वर। इसलिए परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा गया है। जिनके पास आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, जिनके पास पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज है, इसलिए उनको त्रिनेत्री कहा गया है, त्रिनेत्री कहा गया है। जिसका शरीर नहीं है लेकिन फिर भी उसको त्रिनेत्री कहा गया, त्रिनेत्री अर्थात तीसरा आँख, ज्ञान का नेत्र देने वाला, ज्ञान का चक्षु प्रदान करने वाले को त्रिनेत्री कहा गया है, त्रिकालदर्शी कहा गया है, वो है परमात्मा। याद रहा, सबसे पहले हमने कहा कि जो सर्वशक्तिवान है, दूसरा हमने कहा कि जो सर्वधर्म मान्य है, तीसरा हमने कहा कि जो सर्वज्ञ है, फिर कहा हमने जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, एंड फिफ्थ क्या है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो स्वयंभू है, जो स्वयंभू है। हम आत्माएं अपने घर, अपने शांति धाम से यहाँ नीचे इस पृथ्वी लोक में हम सभी नीचे उतरते हैं। समझ में आया? हम सभी यहाँ इस पृथ्वी लोक में हम सभी नीचे उतरते हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है कि जो इस धरती पर उसको भेजेगा। इसलिए जो खुद इस धरती पर आता है उसको कहा गया है खुदा, उसको नाम दिया गया है खुदा, उसके ऊपर और कोई नहीं है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा गया। भू अर्थात क्या है? इस धरती, इस धरती पर जो खुद जिनका अवतरण होता है, जिनको कोई भेजता नहीं है कि भाई तुम अभी जाओ तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं, समय पर जो खुद इस धरती पर आ जाते हैं वो है खुदा, परमात्मा है। अब वो परमात्मा, ये पांच डेफिनेशन है। साइलेंस में बैठ करके आप सभी एक बार सोचना इस बात के ऊपर, क्या ये बात सही यथार्थ रूप से है, यथार्थ रूप से है। दूसरा, अब परमात्मा दिखने में कैसा हो सकता है, परमात्मा दिखने में कैसा हो सकता है? आत्मा दिखने में कैसी है, आत्मा दिखने में कैसी है? आत्मा दिखने में एक पॉइंट ऑफ लाइट है। हम सभी आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठी हुई है, जो कि पूरे शरीर के इस मैकेनिज्म को जो चला रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस शरीर को देख रही हूँ, मेरा नाम सिस्टर श्वेता है, राइट। तो मैं एक शरीरधारी हूँ, फिजिकल फॉर्म को अगर मैं देखूँगी तो मैं एक शरीरधारी हूँ। तो मैं अगर सोचूं कि मैं शरीरधारी हूँ और इस शरीरधारी के माता पिता भी मेरे कोई शरीरधारी माता पिता हैं, मेरे माता पिता भी शरीरधारी हैं, तो वैसे आप भी अगर अपने ऊपर गौर करो कि अगर मैं एक शरीरधारी हूँ तो इस शरीरधारी के माता पिता कोई शरीरधारी हैं। अब इस शरीर से थोड़ा सा डिटैच हो करके अगर हम अपनी फोकस इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा यहाँ बैठी है अगर इसके ऊपर गौर करें और हम ये बोलें कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, तो मेरा पिता भी कैसे दिखेगा? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होगा कि वो एक शरीरधारी दिखेगा? जो कहते हैं कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होगा वो हाथ उठाए। मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, तो इस आत्मा का पिता कैसे होगा? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होगा या कोई फिजिकल फॉर्म होगा? जो कहते हैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होगा, हाथ उठाए जरा। ओब्वियसली ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होंगे, क्योंकि परमात्मा वो है ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। इसलिए हमने क्या कहा कि परमात्मा ईश्वर जो है ना, वो निराकार है,
निराकार है। निराकार अर्थात जिसका ये साकारी शरीर नहीं है, ये साकार शरीर जिनका नहीं है उसको निराकार कहा गया है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। इसलिए शास्त्रों में एक कथा मुझे याद आता है, परमात्मा के लिए लिखा गया है जैसे कि शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्य मध्य ज्योति, ज्योतिर्मध्य निरंजन स्वयं ज्योति भगवान। अब शून्य शून्य महाशून्य अर्थात कौन सा महाशून्य? वो जो शांति धाम, वो जो परम धाम जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। एक लाल प्रकाशमय दुनिया परमात्मा का जहाँ घर है, जहाँ पर हम आत्माएं भी हम अपने पिता परमात्मा के पास रहते हैं, जिसको परम धाम कहा गया है, जिसको शांति धाम कहा गया है, वो है महाशून्य। उस महाशून्य के बीच में एक ज्योति स्वरूप, एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बैठा हुआ है, जिसको कहा गया है ये परमात्मा। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, हम सभी आत्माओं का वो पिता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम उस एक पिता के बंदे हैं। हम इसलिए कहते हैं एक पिता के हम बंदे हैं। इसलिए देखो जब प्रेयर गाते हैं या भक्ति के जो गीत हम सुनते आए हैं बचपन से, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, आगे 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 सुना है ना बचपन में, हाँ, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। हम क्या कहते पता है? हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, भगवान की औलाद है भगवान बनेगा। हम उस एक पिता के बच्चे हैं, उस एक के हम बंदे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर एक है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन वर्तमान समय इस कलियुग की दुनिया में अर्थात इस कलह कलेश की दुनिया में अब उस प्रकार की भाईचारा किसी के अंदर भी नहीं है। बहुत गिनती में, बहुत कोटों में कोई निकलेंगे, कोई में भी कोई निकलेंगे जो इस भेद भावना को छोड़ करके जो चल रहे हैं, भेद भावना को छोड़ रहे हैं, छोड़ के जो चल रहे हैं। समझ में आया? तो अब बात आती है कि मैं अगर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, तो हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक तरफ से हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि हम माता पिता के बच्चे हैं। ये दोनों में से कौन सी बात सही है? इन दोनों में से कौन सी बात सही है? एक तरफ से हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो ये दोनों में से कौन सी बात सही है और कौन सा गलत है? जिनको लगता है ये दो बात सही है हाथ उठाएं। दो बात सही है। जिनको लगता है एक सही है और एक गलत है हाथ उठाएं। फिरोज भाई, क्या लगता है, दोनों बात सही है? दोनों सही है। यस, दोनों सही है। अब किस रिश्ते से सही है उसको समझना जरूरी है। कहने मात्र तो हमने कह दिया जो सुनते आए। आत्मा के नाते से जैसे हमने कहा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, उस ईश्वर के बच्चे हैं, तो किस नाते से हम सभी वास्तव में देखा जाए तो आत्माएं हैं। तो आत्मा के नाते से हम उस पिता के बच्चे, उस परमात्मा के बच्चे हैं। और शरीर को देखते हैं, जब इस शरीर के जन्मदाता कोई शरीरधारी माता पिता है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे जन्मदाता भी ये माता पिता है, माता पिता है। अब इस आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस क्या है? What is the difference between soul and supreme soul? परमात्मा कहा गया, परम प्लस आत्मा, सुप्रीम प्लस सोल, सुप्रीम सोल। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो।
चाहे कोई भी हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को जानना भी ज़रूरी है। मेरे में और मेरे पिता के बीच में डिफरेंस क्या है, इस बात को भी जानना ज़रूरी है। दोनों आत्मा एंड परमात्मा, मैं और मेरा पिता ईश्वर, हम दोनों दिखने में एक समान है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। समझ में आया, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तो मेरा पिता परमात्मा जो उस प्रकाशमय दुनिया जिसको शांतिधाम कहा गया है, जहाँ वो बैठा हुआ है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कह रहे हैं तो कोई बड़ा रूप होगा, जैसे दुनिया वालों ने कह दिया ना कि भगवान अखंड ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्योति स्वरूप। अगर परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप होता तो उसके सामने तो पहले कोई भी चीज़ अगर चला जाए तो वो जल के पहले खाक हो जाएगा, जल के मिट जाएगा। अगर वो परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, तेजोमय है, तो अगर वो भी हमारे सामने आ जाएगा तो क्या हम बचेंगे? नहीं, हम भी जल के मर जाएंगे, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। अर्थात परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप नहीं है, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बहुत सटल है। जैसे आत्मा बहुत सूक्ष्म है, सटल है, लेकिन बहुत पावरफुल है, परमात्मा वैसे बहुत पावरफुल है। परम पिता परमात्मा कहा गया है, वो हमारा सुप्रीम फादर है, उसको ही गॉड कहा गया है, गॉड कहा गया है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक तरफ से हम कहते हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो परमात्मा के अंदर भगवान के बच्चे हैं, अर्थात क्या है, परमात्मा के अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर भी वो गुण दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए? हम भगवान के बच्चे हैं तो परमात्मा के अंदर, मेरे पिता के अंदर जो गुण है, तो क्या वो मेरे अंदर वो गुण दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए? दिखने चाहिए। अब एक एक चीज़ आते हैं, ठीक है ना। परमात्मा शांति का सागर है, हम अपने आप को क्या कहेंगे? कौन कौन बैठे हैं जो अपने आप को ये टाइटल दे सकते हैं कि हम भी शांति के सागर हैं? हाथ उठाए जरा, शांति के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा ज्ञान का सागर है, क्या हम अपने आप को ये टाइटल दे सकते कि हम ज्ञान के सागर हैं? टाइटल दे सकते? परमात्मा पवित्रता का सागर है, क्या हम अपने आप को ये टाइटल दे सकते कि हम पवित्रता के सागर हैं? वो दुख हरता सुख करता है, क्या हम दुख हरता सुख करता है? एक तरफ से हम कह दे रहे हैं कि हम उस ईश्वर के बच्चे हैं, तो उस परमात्मा के अंदर जो वैल्यूज़, जो क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ दिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज वो क्वालिटीज़ या वो वैल्यूज़ हमारे अंदर क्यों नज़र में नहीं आ रहा है? क्योंकि आज वर्तमान समय हम सभी, यहाँ से हम सभी अपने आप को भूले हुए हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं उस पिता का संतान हूँ, पिता का संतान हूँ। आज हम इस बात को लेकर के भूले हुए हैं, ठीक है। इसलिए परमात्मा खुद इस धरा पर आकर के हमें ये ईश्वरीय ज्ञान वो खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। क्योंकि आत्मज्ञान कोई व्यक्ति हमें नहीं दे सकता इस संसार में, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई नहीं दे सकता हमें आत्मज्ञान। वो आत्मा का पिता जो परमात्मा बैठा हुआ है, वही आकर के हमें सत्य ज्ञान देता है। इसलिए ईश्वर के सामने दो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे सत्य ज्ञान दे दे, हे ईश्वर मुझे सत्य बुद्धि दे दे, मुझे दिव्य नेत्र दे दे, ताकि उस नेत्र से मैं सही रीति से देख सकूं। इसलिए हम कहते हैं, आज परमात्मा को भी देखो, जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, जिनके भी नाम रूप को लेकर के आज वास्तविकता में देखा जाए तो
तो मनुष्य आत्मा के अंदर वर्तमान समय परमात्मा को लेकर के प्रेम की भावना कम है, लेकिन डर की भावना बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। और डर की भावना अधिक मात्रा में कैसा है, डर की भावना अधिक मात्रा में कैसा है, हम सभी पूजा पाठ जो जिसको भी मानते होंगे, जिसको भी आराधना आदि करते हो रहे होंगे, है ना। सपोज़ मान लीजिए हम सबके घर पे 10-15 फ़ोटोज़ या 8-10 फ़ोटोज़ तो सबके हैं ही हैं घरों पे, जो सवेरे और शाम को हम पूजा आदि आदि जो भी करते हैं, है ना, धूप आदि लगाना, आराधना करना, जो भी आदि कर रहे हैं। सवेरे सवेरे सपोज़ मान लीजिए हम उठे और फूल इकट्ठा किया, तिलक घिसा सभी फ़ोटोज़ में लगाने के लिए, ठीक है ना, और उसमें से फिर सभी देवी देवताओं की मूर्ति या फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, पूजा करना शुरू कर दिया, सबके ऊपर फूल चढ़ाया, लेकिन लास्ट में एक फ़ोटो रह गया जिसके ऊपर हम फूल चढ़ा नहीं पाए, तो सबसे पहले हमारे अंदर किस प्रकार की भावना आ जाता है, किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट होते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ओबियसली थोड़े से, है ना, संकुचित वाले थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। मन थोड़ा सा हल्का नहीं लगता है उस समय, मन भारी सा लगता है कि अरे इस देवी या इस देवता को हमने फूल नहीं चढ़ाया, आज ऐसी कैसी भूल हो गया। एंड सपोज़ मान लीजिए कल फिर वही चीज़ रिपीट हो गया हमारे साथ, तो कल वो भावना फिर और थोड़ी सी दुगनी हो जाती है या कम हो जाता है, और थोड़ा सा दुगना हो जाता है कि कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, भगवान कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, लक्ष्मी की वंदना किया बैठ करके, दुर्गा की भी वंदना किया, समय हो गया उठ गया और सरस्वती जी की वंदना नहीं कर पाए, तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन सी थॉट्स आ जाता है कि अरे कहीं मेरे अंदर विद्या की परसेंटेज कम तो नहीं हो जाएगा, सरस्वती देवी मेरे ऊपर कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, आता है नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा जिन देवी देवताओं के भी आज हम पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, प्रेम की भावना हमारे अंदर कम होता जा रहा है, डर और भय की भावना हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, कहीं भगवान कुछ बिगाड़ ना देगा, कहीं कुछ वो हमारा हानि ना कर देगा। मान लीजिए कई सालों से एक उपवास आप करते आ रहे हो, लेकिन आज एक साल कोई कारण के वजह से आपका छूट गया, कहीं बाहर हो आप पहुंच नहीं पाए, उस दिन आपका छूट गया, तो सबसे पहले किस प्रकार के ख्याल आते हैं हमारे अंदर, अच्छा या बुरा, थोड़ा सा संकुचित वाला, दिल को उदास करने वाला, दिल को बिठा देने वाले संकल्प हमारे अंदर पहले आते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे परिवार वालों का कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, और इन्हीं संकल्पों के साथ, और ये इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के हम क्यों चल रहे हैं। ये सेशन अगर द एंड हो जाए अपने आप, तो अगेन आप पास कोड दे करके फिर से नेक्स्ट मीटिंग में हम सबको बैठना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अच्छा, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर क्यों आया, प्रेम की भावना नहीं आ करके, है ना, इस डर की भावना, भय की भावना भी क्यों आया, कारण एक ही है कि अभी तक मुझे परमात्मा के बारे में सही परिचय नहीं मिला है, अभी तक मुझे परमात्मा के बारे में सही परिचय नहीं मिला है, एक ही कारण है, ये एक ही कारण। आज हमें उस प्रकार के कहेंगे विचारधाराओं को लाने के लिए मजबूर कर रहा है। और जैसे हम सभी परमात्मा के बारे में, या कहे एक सटीक परिचय, जब कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में परिचय मिल जाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो संकुचित होकर के रहने वाली जो भावनाएं होंगे कहेंगे, या संशय में रहने वाली कोई भावनाएं होंगे, या डाउट्स में रहने वाली अगर कोई भावनाएं होंगे ना, तो पहले वो मिटता जाएगा,
वैसे ही परमात्मा के बारे में जब हम संपूर्ण रीति से कहें या तो मैंने क्या कहा कि अगर वैसे ही परमात्मा के बारे में अगर हमें एक सही परिचय मिल जाए तो हमारे अंदर से सबसे पहले वो डर या कहें एक भय हमारे अंदर से वो निकलता जाएगा और उस ईश्वर के प्रति हमारे अंदर एक प्रेम की भावना अपने आप जागृत होता जाएगा। हम हमेशा प्रेयर में, और एक बात मुझे याद आती है, हम क्या गाते आए हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, यही गाया ना। कभी भी हमने ये गाया प्रेयर में स्कूल में जब थे कि दुख, तू दुख का सागर है, तेरी एक दुख के प्यासे हैं, हम में से कोई भी गाया ऐसा सॉन्ग, ऐसा प्रेयर कभी गाया नहीं। हमने हमेशा ये गाया कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। अर्थात अगर उस परमात्मा के तरफ से अगर मुझे एक बूंद भी अगर प्यार का वो भासना, वो वाइब्रेशंस मुझे मिल जाए तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, है ना। अब बात आती है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, हमें पता चला, ना कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है, ना कि वो तेजोमय है, बहुत शीतल है, बहुत शांत है, इसलिए वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है, सारी चीज़ों का वो सागर है। और सागर के अंदर क्वालिटी क्या है कि सागर से आप कितना भी लूट करके ले लो, वो सागर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बस उसके पास से लेने का वो तरीका हमें पता होना चाहिए, उससे लेने का वो तरीका हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम लें। अब बात आती है कि परमात्मा जब ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है तो उस परमात्मा का तो कोई तो नाम तो होगा। जैसे हम आत्माएं इस शरीर के अंदर प्रवेश हुए हैं, एक शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन परमात्मा कोई शरीर धारण नहीं करते हैं, जान के रखो सभी, जान के रखो, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परमात्मा परे है, डिटैच है। जैसे हम आत्माएं ये शरीर के अंदर प्रवेश करके हम अपना कर्म कर रहे हैं, वैसे परमात्मा को कोई शरीर धारण करना नहीं पड़ता है, अर्थात कोई गर्व के अंदर परमात्मा को प्रवेश होना नहीं पड़ता है। इसलिए परमात्मा के जन्म को कहा गया है, परमात्मा का जन्म एक दिव्य और अलौकिक जन्म है, दिव्य अलौकिक जन्म, क्योंकि ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ये हम नहीं कह सकते कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, नहीं, ये ज्ञान हमें देने वाला डायरेक्ट वो ईश्वर है, डायरेक्ट वो परमात्मा है। जो ज्ञान अभी आप बैठ करके सुन रहे हो, एक दिन हम बैठ करके ये ज्ञान को ऐसे सुने, उसको समझा सही रीति से, जैसे आप अभी बैठ करके अभी सुन रहे हो इस नॉलेज को। तो परमात्मा जबकि निराकार है, उस निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को भी ज्ञान सुनाने के लिए एक शरीर का आधार लेना पड़ता है, इसलिए उसको कहा गया है, उसके जन्म को दिव्य अलौकिक जन्म कहा गया है। और वो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के हमें ये कहते हैं कि मेरा नाम शिव है, शिवो अहम हूँ, मैं शिव हूँ। अब शिव अर्थात ये नहीं सोच लेना कि ये कोई रिलीजियन बेस्ड नेम हो गया, ये तो कोई हिंदू रिलीजियन का ही नाम हो गया, नहीं, कोई रिलीजियन के तरफ से आप नहीं जाओ, कोई रिलीजियन बेस्ड नेम ये नहीं है। हम जितने भी यहाँ पर भाई बहने हम सभी बैठे हैं, हम सबका कोई ना कोई नाम है जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है, किसका नाम सौरव है, किसी का नाम मौसमी है, किसी का नाम मीना है, किसी का नाम परी है, शरत है, किसी का नाम अमित है। तो हर एक के नाम के पीछे पीछे जब हमें ये शरीर को जब माता पिता ने नामकरण दिया ना, इस शरीर का जब नामकरण हुआ तो कुछ तो सोच करके नाम दिया होगा ना, और हर नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ समाहित है, मानते हैं आप सबको जो नाम मिला हुआ है उन सबके नाम के पीछे कोई ना कोई उसका मतलब है या नहीं है, या ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही नाम दे दिया। अमित अर्थात क्या है, अमित मतलब क्या है,
फिरोज अर्थात क्या है भाई? फिरोज भाई बैठे हैं, फिरोज माना। हर एक के नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, अर्थ है, ऐसे ही नाम नहीं है। लेकिन वर्तमान समय इस कलियुगी दुनिया में क्या व्यक्ति का नाम जैसा है, क्या उसके गुण और उसके कर्तव्य वैसे दिखाई देते हैं या देख रहे हैं आप? क्या बोलेंगे? मान लो किसी का नाम शांति होगा, लेकिन वो हमेशा एक अशांति में रह रही होगी, तो क्या नाम के हिसाब से उसके गुण या उसके कर्तव्य दिखाई दिया? किसी का नाम मान लो संतोष होगा, लेकिन वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं रख पा रहा होगा। किसी का नाम प्रेम होगा, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ प्रेम से दो बात भी नहीं कर पा रहा होगा। किसी का नाम चांदनी होगा, लेकिन उसके खुद के अंदर ही, चांदनी माना रोशनी, लेकिन उसके खुद के अंदर ही वो ज्ञान की रोशनी ही नहीं होगी। तो क्या नाम के हिसाब से क्या वो गुण या वो कर्तव्य दिखाई देता है वर्तमान समय? बहुतों की संख्या में हम क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं। लेकिन परमात्मा, उनका नाम शिव है, तो ये शिव है एक गुणवाचक और ये कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि शिव माना ही कल्याणकारी, बेनिवोलेंट कहा गया है, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। शिव सदा शिव, वो जो है जैसा है वैसे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर। जैसे हम आत्माएं एक कॉस्ट्यूम में आए, फिर दूसरे कॉस्ट्यूम में जाते हैं, शरीर छोड़ा तो दूसरा कॉस्ट्यूम लेते हैं, फिर तीसरा कॉस्ट्यूम, फिर और एक कोई कॉस्ट्यूम हम लेते रहते हैं। लेकिन परमात्मा को कोई कॉस्ट्यूम धारण नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको हमेशा कहा जाता है कि वो सदा शिव है। इसलिए कहते हैं कि सत्यम शिवम और सुंदरम कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। वो सत्य है, वो सुंदर है और वो शिवम है, शिव है वो, इसलिए उनका नाम ये दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई रिलीजियन बेस्ड नेम नहीं है। शिव माना, आज के दिन से आप सभी जान लो, शिव माना है कल्याणकारी, बेनिवोलेंट। इसलिए हम हमेशा परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कल्याणकारी है। वो जो भी करता है हर एक के कल्याण के लिए करता है। लेकिन हमने ये बातों को कहाँ दूर तक हम अपने अंदर समा करके रखे, जब कोई बात कोई अलग सामने वालों के ऊपर जब कोई घटना घटती है तो फिर हम सोच लेते हैं, तब उनको फिर हम बहुत अच्छी रीति से एडवाइस देते हैं कि भगवान जो करता है ना कल्याण के लिए करता है, आप इधर उधर की बातें क्यों सोच रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई बात हमारे खुद के ऊपर आना हो जाता है, तब वो सामने वाला जब हमें खुद आकर के समझाता है कि भगवान जो करता है कल्याण के लिए करता है, आप उधर उधर की बातें क्यों सोच रहे हो, तब हम उनकी बातों को रख पाते नहीं रख पाते, तब हम उनको क्या कहते हैं, आपकी बात अलग थी और हमारी बात अलग है, हमारी बातों में भगवान का थोड़ा सा है ना 9-10 का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, आपकी बातों में वो नहीं था, आपकी बातों में वो नहीं था। और ये है लैक ऑफ नॉलेज, और यही है अज्ञानता, इग्नोरेंस का आज्ञा। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अगर परमात्मा को सटीक रीति से जान लेना, और हर एक चीज़ में वो हमेशा ये सोचता चलेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है आगे अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसको परमात्मा को लेकर के कोई उसके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्लीन एंड क्लियर है उस ईश्वर के लिए, उस खुदा के लिए, परमात्मा के लिए। हमारे अंदर दुविधा है, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न है, हमारे अंदर संशय है, रीज़न एक है कि अभी तक हमने उसको सही रीति से हम पहचान नहीं पाए। इसलिए हम उस परमात्मा को बहुत प्यार से कहते हैं कि वो सदा शिव है, सदा शिव। इसलिए हम कहते हैं शिव बाबा कहते हैं। जैसे फादर को बच्चे बहुत सारे नाम से जानते हैं ना, पुकारते हैं ना, कोई पापा कहते हैं, कोई पिताजी कहते हैं, कोई डैडी कहते हैं,
या और क्या, कोई बाबूजी कहते हैं, कोई डैड कहते हैं। आजकल तो 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, कोई डाडा कहते हैं, कोई पॉप भी कहते होंगे आजकल के बच्चे, क्यों कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं। तो वैसे ही उस ईश्वर, वो जो ईश्वर परमात्मा है, वो हम सभी आत्माओं का पिता है। एक बहुत अच्छा रिलेशन है उसके साथ हमारा। क्यों जब दुख आता है हम सभी उसको याद करते हैं? जब चारों तरफ से इंसान हार खा जाता है तो लास्ट में वो किसके द्वार पे जाता है? ईश्वर के द्वार पे जाता है। चाहे वो मंदिर पे जाए, चाहे वो मस्जिद पे जाए, चाहे वो गुरुद्वारे पे जाए, चाहे वो कहीं पर भी जाए, किस भावना को लेकर के जाता है कि यहाँ पर भगवान बैठा हुआ है। अब चारों तरफ से हारा हूँ तो यही मुझे अभी पार लगाने वाला है। और क्यों हम उसको पुकारते आए हैं? क्योंकि उसके साथ भी हमारे कई जन्मों का एक बहुत गहरा कनेक्शन है उसके साथ हमारा। और परमात्मा के साथ हमारा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे गहरा कनेक्शन क्या है कि वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, संतान हूँ। अगर वो शांति का सागर है तो मुझे भी अपने अंदर उतनी शांति की मात्रा को अपने अंदर भरना पड़ेगा। वो अगर प्रेम का सागर है तो मुझे भी प्रेम स्वरूप होकर के रहना पड़ेगा। इसलिए ये ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है। ये कोई ऐसी संस्था नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है, जहाँ कोई जाति, जहाँ कोई धर्म, जहाँ कोई वर्ण, इन सबको कोई मायने नहीं है। सब हमारे सामने इक्वल हैं, सेम टू सेम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई जाति या कोई धर्म के ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं रहती है, कोई एज के ऊपर बाउंड्रीज नहीं रहती है, क्योंकि ये हर एक का हक बनता है एजुकेशन को अपने जीवन में इनकलकेट करना, धारण करना। तो ये एक स्पिरिचुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान, जो आध्यात्म ज्ञान वर्तमान समय हम सबको चाहिए, जिसके वजह से हमारा ये मन बिखर चुका है, जिसके वजह से ये मन चारों तरफ भटक रहा है, उसको एक सही दिशा दिखाने के लिए, इस मन के अंदर एक शांति की मात्रा को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे इस आध्यात्म ज्ञान की जरूरत है, जरूरत है। तो ये ज्ञान सिर्फ वो परमात्मा ही हमें आकर के दे सकते हैं, ना कि और कोई दे सकते हैं। और वही ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जिसको सभी धर्म वालों ने प्रूफ किया है, प्रूफ किया है। नॉर्थ में अगर हम जाएं, जैसे हिंदू रिलीजियन को अगर हम पहले लेते हैं, तो हिंदू रिलीजियन में कैसे उस ज्योतिर शिवलिंग की पूजा चारों तरफ हुई। भारतवर्ष में आप जहाँ तहाँ देखो उस शिवलिंग, उस निराकार शिवलिंग की पूजा चारों तरफ हुई है। द्वादश ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा हुई है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। नॉर्थ में आप जाओ, अमरनाथ टेम्पल के रूप में वहाँ पूजा होता है। अमरनाथ अर्थात अमर कौन है? आत्मा, अजर अमर और अविनाशी है। तो हम सभी आत्माओं का जो नाथ है, जो ईश्वर है, इसलिए उस टेम्पल का नाम दिया गया है अमरनाथ। साउथ में आप आओ, साउथ में सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? साउथ में रामेश्वरम। रामेश्वरम टेम्पल के लिए भी एक मान्यता क्या है कि राम का भी जो ईश्वर है, राम जी ने भी जब सेतु का वो जो बांध का निर्माण किया था, तो उस समय राम जी को भी शिव जी की पूजा करनी पड़ी थी। रावण को वध करने के लिए राम जी को भी शिव जी की आराधना करनी पड़ी थी। जैसे दिखाया गया है कि रावण के पास वो पूरी शक्ति नहीं थी, लेकिन रावण ने भी शिव जी की आराधना करके बाकी सारी शक्तियों को अपने अंदर भरा था, ठीक है ना। तो इसलिए युद्ध भूमि पर जितना खुद को खुद की शक्ति के बारे में पहचानना ज़रूरी रहता है, उतना ही शत्रु की भी शक्ति के बारे में पहचानना ज़रूरी रहता है।
इसलिए राम जी ने भी क्या किया था कि उस शिव जी की पूजा किए थे, आराधना किए थे। अब यहाँ पर एक बात क्या आती है, अगर राम भगवान है हिंदू रिलीजियन में तो सबको भगवान मान करके चल रहे हैं ना, सबको भगवान मान करके चल रहे हैं। अगर राम ईश्वर है तो उसको फिर शिव जी की पूजा करने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर तो एक ही है। अर्थात क्या है कि राम एक देवात्मा था, एक देव पुरुष था। उस राम के भी जो पिता शिव परमात्मा है, इसलिए राम जी ने भी शिव जी की पूजा की थी, इसलिए उस टेम्पल का नाम दिया गया है रामेश्वरम। गुजरात की तरफ आप आओ, आप देखना कौन सा टेम्पल आपको मिलेगा, सोमनाथ टेम्पल। ये मान्यता है कि परमात्मा इस धरती पर आकर के हम सबको सोम अर्थात ज्ञान रूपी अमृत हमें पिलाए थे, इसलिए उस टेम्पल का नाम रखा गया है सोमनाथ। सोमनाथ है ना। आप दूसरी तरफ में अगर आप चले जाओ पशुपतिनाथ, नेपाल में हम देखते हैं, भारत के बाहर वहाँ पर भी देखो उस निराकार शिवजी की पूजा हो रही है। और हर टेम्पल के पीछे दो वर्ड लगे हुए रहते, एक तो नाथ होगा नहीं तो ईश्वर होगा, एक तो नाथ होगा नहीं तो ईश्वर होगा। अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ या पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम आदि आदि देखो, क्योंकि हम सभी आत्माओं का पिता वो एक पिता है, वही एक पिता ज्योति स्वरूप है, जिसको हिंदू रिलीजियन वाले एक निराकार शिवलिंग का रूप दे करके पूजा आराधना करना शुरू किए कई सदियों सालों से। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, आप देखना जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा कि गॉड इज लाइट, एंड उन्होंने ये कहा कि आई एम द सॉन ऑफ गॉड। उसने ये नहीं कहा जीसस क्राइस्ट ने कि मैं परमात्मा हूँ मुझे सभी मानो, लेकिन लोग किसके पीछे भागना शुरू किए, जीसस क्राइस्ट के पीछे भागना शुरू किए, जीसस क्राइस्ट के पीछे। वैसे ही गुरु नानक जी ने भी क्या कहा, सिख धर्म में आप आ जाओ, गुरु नानक ने ये कहा कि एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार परमात्मा जो कि एक है, सत्य है, ज्योति स्वरूप है, आप सभी उसको मानो, उसको जानो, उसको पहचानो। लेकिन लोग किसके पीछे भागना शुरू किए, गुरु नानक के पीछे भागना शुरू किए। अपने मुसलमान भाई बहने किसको मानते हैं, अल्लाह के लिए क्या कहते हैं कि अल्लाह एक नूर है, एक ज्योति स्वरूप है, एक ज्योति स्वरूप है। कहा जाता है कि मुस्लिम रिलीजियन में भी जैसे हमने सुना कि परमात्मा के नाम का जब बहुत भेदभाव निकला तो ऊपर से एक बहुत सुंदर सा पत्थर नीचे पड़ा है ना, और सबने सोचा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और उस हिसाब से मुस्लिम धर्म वाले भी भाई बहनों ने भी क्या कहा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, नूर है, नूरे इलाही इसलिए कहा गया है, नूरे इलाही। जापान में आप जाओ 3 फुट की ऊंचाई में है ना, एक लाल कलर का पत्थर को 3 फुट की दूरी पर रह करके आराधना करते आए हैं, एक निराकार पत्थर ज्योति स्वरूप मान करके कहा गया है, ज्योति स्वरूप माना गया है। महावीर जी के पास भी आप आ जाओ, महावीर जी को भी एक एनलाइटनमेंट हुआ था कि वो ज्योति स्वरूप का उनको साक्षात्कार हुआ था, परमात्मा ज्योति स्वरूप है बोल करके। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी धर्म प्रवर्तक या जितने भी धर्म स्थापक इस धरती पर आकर के गए हैं, सभी ने यही कहा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ मुझे मानो। लेकिन हम अपनी मान्यताओं को कैसे हम लेकर के चलें, हमने सोचा कि गुरु नानक जी भी भगवान, जीसस क्राइस्ट भी भगवान, प्रोफेट मोहम्मद जी भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, राम भी भगवान, सीता भी भगवान, श्री कृष्ण भी भगवान, राधे भी भगवान, सब भगवान, लक्ष्मी भी भगवान, नारायण भी भगवान, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे खुद के अंदर ही परमात्मा के लिए एक करेक्ट नॉलेज हमारे अंदर नहीं आया,
हमें नहीं मिला कहीं से, इसलिए आज परमात्मा के नाम से हम भटकते आए हैं, भटकते आए। जैसे एक मंदिर का ब्राह्मण, उसका बेटा बहुत बीमार था, तो ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे अपने बेटे को अगर ठीक करना है तो मुझे श्री कृष्ण जी की कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और वो दो दिन से कड़ी तपस्या में, पूजा आराधना में लगा। दो दिन की पूजा आराधना को देख करके बाजू में जो थे वो आकर के वो ब्राह्मण को कहा कि ऐसे समय पर आप श्री कृष्ण जी की क्यों पूजा कर रहे हो, आपको तो जगदम्बा की पूजा करनी है जो कि सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है, है ना। तो उसके बाद श्री कृष्ण को पूजा करने के बाद दो दिन के बाद, और श्री कृष्ण भी देख रहे हैं कि अरे भाई ये बहुत अच्छी तरह से तो मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो भी आना शुरू किए थे उस ब्राह्मण के पास उनकी भक्ति का फल देने के लिए। तो आते आते क्या देखा कि वो ब्राह्मण अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया है, किसके पास, किसके पास, जगदम्बा के पास। तो श्री कृष्ण भी चले गए। तो जगदम्बा के पास काफ़ी दिनों तक पूजा करने के बाद फिर किसी व्यक्ति ने देखा कि इसकी तो मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति ने आकर के फिर उस ब्राह्मण को कहा कि तुम जगदम्बा की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम श्री गणेश जी की पूजा करो ना, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, तुम्हारे ऊपर जितने भी विघ्न हैं वो सब पार कर देंगे। तो जैसे ही जगदम्बा उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए आ रही थी, वो उसी समय ही अपना ट्रैक चेंज करके किसके पास चले गए, श्री गणेश जी के पास चले गए। तो क्या हमारी हालत ऐसा नहीं है क्या, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे भटक रहा है क्या, क्या सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे भटक रहा है, क्या कहेंगे फिरोज भाई, क्या ये एक व्यक्ति ऐसा भटक रहा है? नहीं, हम सभी ऐसे भटक, इस 365 डिग्री चक्कर में हम सभी चक्कर लगा रहे हैं। आज नहीं हुआ तो आज ये देवी के पास मनोकामना पूरा नहीं हुआ तो कल इसके पास भागे, फिर परसों उसके पास भागे, फिर इसके पास भागे, इसके पास भागे, से क्यों ये सारा चक्कर हो रहा है? क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं है कि परमात्मा क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। और जब मेरे पास वो परफेक्ट नॉलेज आ जाए कि हाँ यही ईश्वर है, तो क्या मैं भटकूंगा या क्या मैं भटकूंगी? ऐसे पहले मेरा भटकना बंद हो जाएगा, यहीं पर ही कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेरा बढ़ता जाएगा। हम भटक रहे हैं ना, बुद्धि को भटका रहे हैं, तभी ये मन भी एक जगह पर एक ठिकाने पर नहीं रह पा रहे, ये भी भटक रहा है, बहुत दुविधा में है, इसके पास क्लियर नॉलेज नहीं है। इसलिए वो परमात्मा शिव बाबा को भी इस धरती पर आना पड़ा, आना पड़ा, किसी साकार माध्यम का शरीर को धारण करके परमात्मा शिव बाबा को ये ज्ञान देना पड़ा, ताकि हम जो मनुष्य आत्माएं भटक रहे हैं ना, हम सभी इस भटकने से अपने आप को बचा ले, बचा ले। हम सिर्फ भटक रहे हैं और कुछ भी नहीं। कोई भी धर्म प्रवर्तक इस धरती पर आकर के किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे पीछे भागो, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन हम उन धर्म प्रवर्तक जो भी आए हुए थे, जो भी महान आत्माएं आए हुए थे, जो भी सतो प्रधान आत्माएं आए हुए थे, हमने कभी भी उनकी बातों को कभी गौर नहीं किया, हम उनके पीछे भागना शुरू किए कि उनसे हमें प्राप्ति मिल जाएगी। जो है उसको हमने कभी जानने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जो नहीं है उनसे हम मांगना शुरू किए कि दे 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 दे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दे दे, तो कहाँ से मिलेगा सोचो। सत्य इसलिए सत्य ही है, किसी एक को इसलिए चुनना पड़ता है, सत्य एक ही है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन कोई एक सत्य होगा, कोई एक सत्य होगा। इसलिए एकांत में बैठ करके जो भी बातें समझाया जा रहा है, इसको एक बार सोचो, क्या ये सत्य है, क्या मेरा मन इस बातों को, इन बातों को क्या स्वीकार कर रहा है जो मैं सुन रही हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ, या ये भी ऐसी बातें हैं जैसे बाहर सुनते आए तो आज ऐसी बातें हम भी अभी सुन रहे हैं। और आज इंसान को देखा जाए तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो इंसान ही बन गया है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो इंसान ही बन गया है,
कैसे वो बिजनेसमैन बना इंसान, परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, उसके सामने भी वो अपना डील करता आया है। कैसे डील करता आया है? अगर परमात्मा के सामने हम कैसे बिजनेसमैन बने, हम ईश्वर को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि मेरा बच्चा अगर 95% में अगर पास हो जाएगा, हे ईश्वर, तो मैं तेरे सामने ये चढ़ावा करूँगा, मैं तेरे सामने 151 नारियल फोड़ूंगा, मैं इतने गरीबों को खाना दूंगा, मैं इतना दान पुण्य करूंगा। उसके साथ भी बिजनेस, तो सबसे बड़ा स्वार्थी तो इंसान ही है। और जब वो मनोकामना बाई चांस हमारा जब पूरा नहीं होता है, तो उसके साथ जो डील भी किया हुआ है ना, वो डील को भी हम रोक देते हैं। कितनी भावना है सोचो हमारे अंदर। वर्तमान समय भक्ति को भी लेकर के ना हमारे अंदर कोई भाव है, ना हमारे अंदर कोई भावना है। भक्ति सिर्फ हमारे लिए एक फैशन बन गया है। मार्क करो, कोई भी पूजा त्यौहार आदि आता है तो भावना के परसेंटेज कितना रहता है और खरीदारी वाली परसेंटेज कितना रहता है, कितना रहता है? क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों में हमारी बुद्धि हम कितना चलाते हैं, किस रीति से भावना के साथ उस देवी का आह्वान करेंगे, इस पूजा को सार्थक करेंगे, उसके प्रति कितनी भावना रहता है? नहीं, अभी ये दशहरा का समय आ रहा है, वर्तमान समय ना ये लॉकडाउन हो गया है, लेकिन लास्ट ईयर तक आप देख रहे थे ना, जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आता जाता है तो उस हिसाब से हमारे अंदर खुशी तो आती जाती है। और खुशी किस बात की? कि हमें क्या खरीदना है, क्या पहनना है, बाहर जा कर के हमें क्या खाना है, और हर पैंडल विजिट करके हमें ये जज करना है कि कौन से पैंडल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कौन सा पैंडल। और यही हमारे लिए दशहरा है। लेकिन कभी इसके इस दशहरे के ना भाव को जाना, ना कभी हमने उसकी भावना को जाना, ना कभी हमने उस भावना से पूजा आदि किया है, तो प्राप्ति कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी प्राप्ति? हम सबको प्राप्ति चाहिए ना, इसलिए तो हम पूजा पाठ आदि कर रहे हैं ना, प्राप्ति के लिए ना। खुद ही कहते हैं ना कि हे ईश्वर, मुझे सुख चाहिए, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे बच्चे सभी तंदुरुस्त होकर के रहे, मेरे पति का हमेशा है ना, वो हमेशा उन्नति की ओर जाए। कहाँ से मिलेगी प्राप्ति? जब मुझे कोई सटीक परिचय नहीं है तो मुझे कहाँ से मिलेगी? ऐसे ही हम पूजा आराधना कर देंगे और हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें आत्मा के बारे में जितना ज़रूरी हमने जाना, परमात्मा के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। इसलिए ना, प्रेयर एंड मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ में बहुत वास्ट डिफरेंस है। प्रेयर में क्या करते हैं, प्रेयर में एक तरफ से हम अपनी तरफ से इस ईश्वर के लिए गाते आए, जोर जोर से गाते आए, भजन कीर्तन आदि सब कुछ करते आए, और हमें लगा कि वो सुन रहा है। अब वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न, हम खुद ही कन्फ्यूज़न। कई बार जब हम अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करते हैं, तब कई बार हमें ये भी लगता है, क्या पता वो हमारी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर वो सुन रहा है तो क्या वो मेरी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा है? अगर वो रिस्पॉन्स दे भी रहा है तो क्या मुझे वो फील क्यों नहीं हो पा रहा है? और लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तो फिर हम कह देते कि भगवान तो है ही नहीं, छोड़ो उसको, जैसे ये गाड़ी चल रहा है, ये जीवन रूपी गाड़ी जैसे चल रहा है वैसे चलने, तो हो गया, फिर सब खत्म। लेकिन मूल चीज़ क्या है कि मैं खुद ही उस ईश्वर के बारे में, मेरे पास ये सटीक नॉलेज ही नहीं था, तो मेरा क्या हालत होगा। जब इन सारी चीज़ों को हम जान लेंगे ना, जान लिए जैसे, तो हमारे अंदर उस ईश्वर के प्रति वो डर और वो भय सबसे पहले हमारे अंदर से निकल जाएगा। डर और भय को भी क्यों रखा गया ना करें, इसलिए जो पहले ज़माने में, जैसे द्वापर युग में जो ऋषि मुनि आदि रहते थे, जिन्होंने अपनी साधनाओं के आधार से जो आने वाले समय को भी देख पाते थे, तो उस आधार से देख करके उन्होंने क्या कहा कि लोगों के अंदर एक डर रहना भी ज़रूरी है, ताकि वो
है ना, डर के आधार से कोई बुरा काम ना कर ले, डर के आधार से कोई पाप कर्म ना कर ले, कोई विकर्म ना कर ले। इसलिए भी लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर परमात्मा के नाम का एक डर भी बिठाया गया है। क्या कहते हैं डर के लिए, जैसे कह देते हैं ना कि भले मुझे तुम्हें कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन तुम्हें भगवान देख रहा है। ये बात भी, जैसे हमने कहा कि मुझे कोई देखे या नहीं देखे लेकिन मुझे भगवान देख रहा है, जब हम ये कहते हैं तो तुरंत हमारे अंदर पहले एक डर आता है कि हाँ भगवान बैठ के देख रहा है, नहीं नहीं मुझे ये बुरा काम नहीं करना है। लेकिन कब तक, वो डर के आधार से कब तक? लेकिन जब मुझे पता चल गया कि वो प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है, वो कभी गुस्सा करने वाला नहीं है, उसको कभी गुस्से का सागर नहीं कहा गया, उसको कभी दुख का सागर नहीं कहा गया, वो हमें रास्ता दिखाने के लिए आया है, रास्ता दिखाने के लिए आया है, कोई अवतार नहीं। जैसे हिंदू रिलीजियन में कह देते हैं कि 24 अवतार लेता है वो, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, कोई अवतार नहीं लेता है। हम आत्माएं भी जब अपने घर शांति धाम से इस धरती पर आते हैं ना, तो उसको भी कहा गया है अवतार कहा गया है। ऐसे कोई अवतार परमात्मा को लेना नहीं पड़ता है, वो खुद इस धरती पर आता है, डायरेक्ट आकर के हमें ज्ञान देता है, डायरेक्ट आकर के हमें डायरेक्शन देता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समझ करके करने की शिक्षा वो हमें देता है, वो कला हमारे अंदर भरता है। क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं वो हमें कह रहा है, ना कि वो दुख का सागर है, ना कि वो गुस्से का सागर है, ना कि वो क्रोध का सागर है, नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, इन सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर, समझ में आया आज का सेशन? एक बार अगर हाथ उठा लो तो मुझे लगेगा कि हम जो समझा रहे हैं आपको, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अगर कोई फिर भी डाउट्स है तो पर्सनली मुझे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कोई सवाल भी लिख सकते हो कि दीदी आज ये बात समझ में नहीं आया, तो मैं पर्सनली आपके साथ बात कर सकती हूँ। लेकिन कोई डाउट हमारे अंदर नहीं रह जाना चाहिए, ताकि हम फिर आगे की और कोर्स जो करेंगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब चलें सभी, अपने आप को थोड़े समय के लिए हम अपने आप को साइलेंस की वर्ल्ड में ले चलें, साइलेंस वर्ल्ड में, राइट? आप सबको ये पिक्चर सामने दिखाई दे रहा है क्या? आप सबको दिखाई दे रहा है? एक बार हाँ बोल दे तो मुझे पता चलेगा। क्या ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, फिरोज भाई दिखाई दे रहा है? तो चलें, एक मिनट के लिए हम सभी उस साइलेंस वर्ल्ड में चलें जहाँ से हम आत्माएं आए हैं, है ना, कुछ समय के लिए। ओके, क्लोज योर आइज। कुछ समय के लिए अपने मन से अन्य सभी प्रकार की बातों को हटा दें और ये सोचें कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर के मस्तक के बीच में हूँ, जो इस पूरे शरीर को चला रही है मालिक बन करके, और मेरे पिता परमात्मा अति सुंदर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है,
अपने को अपने पिता के सामने देखने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें कि एक पॉइंट ऑफ लाइट बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत शीतल मेरे सामने है। मैं उस पिता के अति प्रिय संतान हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता शिव परमात्मा भी वो शांति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। और एक दृढ़ प्रतिज्ञा अपने अंदर लें कि मेरे पिता अगर वह शांति के सागर हैं तो मैं भी मास्टर शांति के सागर हूँ। मुझे अपने स्वधर्म को कभी नहीं भूलना है। और मेरा स्वधर्म शांति है। कोई भी बात अगर मेरे सामने आए, कोई परिस्थिति अगर मेरे सामने आए, तो सबसे पहले मेरी सोच मुझे ये कहे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा नेचर है, ना कि क्रोध मेरा नेचर है, क्योंकि मैं शांति के सागर उस शिव परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ। जो भी परिस्थिति आए, सबसे पहले मुझे शांत होकर के उस परिस्थिति को पार करना है, क्योंकि शांति की शक्ति हर प्रकार की परिस्थिति को पार करने की एक सहज टूल है। और इस टूल को मुझे अपने जीवन में आज के दिन से ही अपने अंदर भरने हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। आज की सेशन यहीं पर है। कल हम फिर से मिलेंगे शार्प 4:30 बजे। तो आप सबको तहे दिल से ओम शांति, ओम शांति।